الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، جاء الثلاثة رهطين إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالدوها قال أحدهم: أما أنا أصلي الليل أبدا ولا أنام. قال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. قال الآخر: أما أنا فلا أتسمم النساء. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. इस हदीस शरीफ में ये बयान फरमाया गया है कि तीन लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मुमिनीन के पास तशरीफ लाए, आपके घर में, और इसकी रावीया हजरत आयशा है तो वो खुद इसको बयान करती हैं, तो उन्हीं के पास लोग आए होंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में। उन्होंने सवाल किया तो उनको बताया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत इस तरह की होती थी रात में और दिन में। जब उनको मालूम हुआ उस इबादत के मुताबिक तो उनको एहसास हुआ कि ये इबादत कम है, उसको कम समझा कि हम जितना समझ रहे थे कि हुजूर की इबादत बहुत ज़्यादा होती होगी, ये तो आपने जो बताया तो वो कम मालूम हुई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उनमें से एक ने कहा कि भाई हुजूर की तो बख्शिश हो गई है, सारे अपने पिछले गुनाह माफ हो गए हैं, हम लोगों को तो ज़्यादा ही इबादत करना चाहिए, हुजूर से भी ज़्यादा करना चाहिए हम लोगों को। मैं तो क्या करूँगा, रात भर नफली नमाज़ें पढ़ूँगा, मैं सोऊंगा नहीं रात भर। एक ने कहा हाँ यार, मैं अब रोज़े ही रोज़े रखूँगा और मैं बग़ैर रोज़े के रखूँगा ही नहीं, नफली रोज़े हर पूरी उम्र नफली रोज़े भी। एक ने कहा तो मैं तो अब इबादत ही में लग जाऊंगा, दीन में शादी भी नहीं करूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई तो आप नाराज हुए और फरमाया, क्या तुम लोगों ने इस तरह की बात फरमाई थी? उन लोगों को बुलाया, क्या तुम लोगों ने इस तरह की बात की थी? तो कहा हाँ। तो फरमाया कि मैं तुम में अल्लाह पाक से सबसे ज़्यादा डरने वाला हूँ और सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार हूँ, लेकिन मैं रात में तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, और मैं रोज़े भी रखता हूँ नफली, और कभी कभी बग़ैर रोज़े के भी रहता हूँ, रोज़े भी रखता हूँ और कभी बग़ैर रोज़े के भी रहता हूँ, और मेरे निकाह भी है अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह भी मैं करता हूँ औरतों से, मतलब तीनों की तरतीब की। फिर फरमाया कि जो मेरी सुन्नत से एराज करे वो मुझमें से नहीं। तो ये हदीस हमें बयान करती है, रहनुमाई करती है हमारी के बीच की राह अपनाना चाहिए, एतदाल, तवस्सुत। इस्लाम के अंदर ये भी एक सिफत है, एतदाल, तवस्सुत,
बीच की राह रखना। बाज लोगों को ये नसीब नहीं होती है एतदाल की राह, वो एक तरफ झुक जाते हैं, या तो कमी कर देते हैं या ज्यादती कर देते हैं। तो हमें बीच की राह सिखाई गई है, न कमी न ज्यादती। इबादत करो तो इबादत ऐसी ना करो कि फिर अल्लाह के बंदों के हकूक जाया हो जाए, जैसा कि अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस रजी अल्लाह अन्हु से भी रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बारे में मालूम हुआ कि रात भर नमाजी पढ़ते हैं और सोते नहीं हैं, और ऐसे ही रोजे पर रोजे रखते हैं। तो आपने उनको बुलाया, फरमाया कि ये ठीक नहीं, तुम्हारे नफ्स का भी हक है, तुम्हारी बीवी का भी हक है, तुम्हारे मेहमानों का भी हक है, हर चीज का हक है। ऐसा करोगे तो तुम्हारी सेहत जाया हो जाएगी। फिर आपने उनको कहा कि कम रखा करो रोज, और नफली नमाज भी पढ़ो लेकिन सोया सोया भी करो। तो एतदाल की राह अपनाना चाहिए कोई भी काम हो, यानी इस्लाम ने सब हकूक अदा करने की तालीम दी। हालांकि आखिरत को तरजीह ही है, क्या आखिरत को हमें अपनाना चाहिए, दुनिया के तालिब नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया और जो तालीम दी जिंदगी की, उसमें यह है कि दुनिया में भी हमें खैर चाहिए। और दुआ हमें सिखाई गई कुरान में, और हुजूर ने भी वो दुआ मांगी है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह दुनिया में भी हमें भलाई अता फरमा, और फिल आखिरत हसना, और आखिरत में भी हमें भलाई अता फरमा, और बिना आता करना दोजख की आग से हमको बचा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अद्दीन युसरुन, दीन आसान है, भले इंशादीन, जो दीन में तशद्दुद बरतेगा तो दीन तो उस पर गालिब रहेगा, वो जितना तशद्दुद करते रहो अल्लाह ताला तो थकेगा नहीं, तुम ही थक जाओगे। और अगर एतदाल इख्तियार करोगे तो चलते रहोगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल दाइमी होता था। दाइमी होने की वजह क्या है और राज की बात क्या है, वो ये है कि मोतादिल होता था। मोतादिल जब होता है बीच में तो फिर हमेशा रहता है, और कुलू होता है तो फिर कभी करता है कभी छोड़ देता है, कभी करता है कभी छोड़ देता है। हर चीज में हमें ये सिखाया गया कि गुलू नहीं इख्तियार करना चाहिए, बल्कि बीच की राह। जैसे कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वत्तगी बैन ज़ालिका सबीला, कि नमाज में अपने कुरान की तिलावत करो तो उसको बहुत बुलंद भी ना करो कि सारे महल्ले में आवाज जा रही है मिसाल के तौर पर, और इतनी आहिस्ता भी नहीं करो कि तुम्हारे साथ नमाज पढ़ने वाले ही नहीं सुने, और बीच की राह चलो। और एक रिवायत है, अगर कि उसमें कुछ ज़ौफ़ है, तिर्मिज़ी की रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के पास से गुजरे तो वो आहिस्ता तिलावत कर रहे थे रात में अपनी नमाज में, हजरत उमर के पास से गुजरे वो जोर से कर रहे थे। तो पूछा हजरत अबू बकर से कि आप धीरे क्यों कर रहे थे, असमा तो मन ना जाए, तो जिससे सरगोशी कर रहा था उसको सुना दिया मैं। हजरत उमर से पूछा तुम जोर से क्यों कर रहे थे बहुत जोर से, तो कहा कि अतरुदु शैतान हफिजुल वसना, सोने वालों को जगा रहा था, जो अपने घर में जो मेरे आसपास लोग सो रहे हो और शैतान को भगा रहा था, उन्होंने अपने मिजाज के मुताबिक बात। तो आपने फरमाया तुम थोड़ा कम कर लो, अबू बकर सिद्दीक से करा कहा कि तुम थोड़ी बुलंद आवाज करो। तो ऐसे ही आवाज में भी बहुत सारे लोग ज्यादा बहुत ज्यादा जोर से बोलते हैं, कुछ बहुत पस्त बोलते हैं,
उसमें भी बीच की राह होना चाहिए। ऐसे ही खर्च करने में बुखल से भी मना किया गया है और इसराफ और फजूल खर्ची से भी मना किया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखल से भी पना मांगते थे और आप इसराफ भी नहीं करते थे। कुरान शरीफ में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि वाला तुबद्दिल तब्सीरा, कि इसराफ फजूल खर्ची ना करो। वाला तजानियता का मगलूलतन इला उनका, अपने हाथ गर्दन से भी ना बांध लो और ना उसको पूरे तरीके से खोल दो। गर्दन से ना बांध रहे तो बिल्कुल ही खर्च ना करो, और ना पूरे तरीके से खोल दो कि फिर मलामत किए हुए बैठे रहोगे हसरत ज़्यादा जब सब पैसा खत्म हो जाए। तो बुखल बुखल भी बुरा है और फजूल खर्ची भी बुरी। बुखल यह है कि आदमी अपने घर के हकूक अदा ना करे और अपनी बीवी के हकूक अदा ना करे, उसको खर्च ना दे, उसके जो आईद होती हैं जिम्मेदारियां मेहर है वो ना दे, जो ज़कात है वो ना दे, तो ये बुखल की बात हो जाएगी। मेहमानों का हक अदा ना कर, रिश्तेदारों का हक अदा ना कर, ये बुखल हो जाए। और फजूल खर्ची क्या है? जो फजूल खर्ची हम लोगों के यहाँ जो प्रोग्रामों में, शादी ब्याह में, जो शान शौकत जताने में जो पैसा उड़ाया जाता है वो फजूल खर्ची में आता है। ये दोनों दो हमारे यहाँ बस अवकात दोनों चीजें पाई जाती है। एक आदमी जो वाजिबी हुकूक है उसमें बुख़ल करता है और जो गैर जरूरी चीजें उसमें फजूल खर्ची कर देता है। तो दोनों बातें गलत हैं, दोनों चीजों से बचने की तालीम दी गई है। इसी तरीके से मुजाहदा करने में भी एक हद को अख्तियार किया गया है। जिंदगी में रहने सहने में बहुत आला शान बना करके रहना, अपने मकानों को और बहुत ज्यादा सजाना और बहुत ज्यादा आसाइश फराहम करना, ये भी पसंदीदा नहीं। इसको भी पसंदीदा नहीं कहा गया है। ऐशो इशरत, ऐशो इशरत अल्लाह के बंदे ऐशो इशरत नहीं करते, और बिल्कुल इतना वो हो जाना कि आदमी अपने नफ्स पर बहुत बोझ डाल दे, तो ये भी पसंदीदा नहीं किया गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ आप मुजाहिदा फरमाते थे और भूख से रहते थे, वहाँ मिलता था तो अल्लाह के फजल व करम से आप अल्लाह की नियमत का हक अदा भी करते थे। एक शख्स ने मुर्गा नहीं खा रहा था, मुर्गा आया अबू मूसा अशअरी के दस्तरखान पर, तो वो एक शख्स अलग हो गए, कहा कि तुम क्यों नहीं खा रहे? तो कहा कि हमने देखा ये मुर्गा मुर्गी जो है गंदगी खाते हैं, तो मैं वहीं से कराहत हो गई, तो हमने कसम खा ली है कि नहीं खाऊंगा मुर्गे का कुछ। तो अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला फरमाया कि हम बता देते हैं तुमको कसम के बारे में, तो ये है कि अगर ऐसी कोई कसम खा बैठो, ऐसी कोई कसम खा बैठो कि जो जरूरी है बोलेंगे नहीं उससे, ये काम नहीं करेंगे, वो तो जरूरी है काम कर लो, अच्छा काम है तो कसम खानी हो कसम तोड़ दो, हम वहां नहीं जाएंगे, और वहां जाना बेहतर है। तो बेहतर काम की अगर कसम खा लो तो उसको छोड़ो नहीं, वो बेहतर काम कर लो। बुरा काम करने की कसम खा लो तो तोड़ दो कसम, बुरा काम ना करो, और फिर कसम का कफारा अदा कर दो। क्या कसम का कफारा? कि इतआम मुअख्खस मिस्कीनों को खाना खिलाना सुबह शाम का, या उनको कपड़े पहनना, जो ऐसा नहीं कर सके वो 3 रोजे रख ले। और फिर कहा कि हुजूर ने भी मुर्गे का गोश्त खाया है, उनसे कहा कि कसम तोड़ दो तुम खा लो गोश्त। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त भी आप पसंद फरमाते थे, गोश्त आप खाना पसंद करते थे, और हलवा मीठी चीज आप पसंद थी, नबीज आप पीते थे। अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह की नियमतें इस्तेमाल करना। तो खाने पीने में बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा खाते हैं और कुछ लोग बहुत कम खाते हैं। ये दोनों बातें कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ ना करो।
खाओ पियो इसराफ ना करो। इसराफ का मतलब ज्यादती ना करो। तो ये एक बहुत ही अहम सिफत है जो हमें अपनाना चाहिए जिंदगी में, कि हर अम्र में बीच की राह इख्तियार करना चाहिए, इबादत हो। अब बीच की राह भी समझना एक अहम बात है। फराइज में बीच की राह ना देखिएगा, मिसाल के तौर पर कहने लगे 5 नमाज फर्ज है, तो मौलाना साहब ने बताया कि बीच की राह अपनाना चाहिए, तो 2-3 नमाजें पढ़ लो और तो बीच की राह हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, फराइज सब करना है। बीच की राह का मतलब नवाफिल में ज्यादती ना करो। तो फर्ज में कोई इख्तियार नहीं है। जो दीन ने जो बताया है ना, जो अब जकात है तो जकात में कहते हैं कि आधी निकाल दो, बीच की राह हो गई, ये मतलब नहीं। वो जकात पूरी निकालना है, फिर वो मजीद खर्च करने में। तो एतदाल को इख्तियार करना, बैलेंस बरकरार रखना, तवाजुन, ये बहुत अच्छी सिफत है। इससे इंसान बहुत अच्छा रहता है, सेहत का भी राजी है कि आप कम खाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को जितना पेट भरना नापसंद है, इतना और कोई बर्तन भरना पसंद नहीं। ज्यादा ही खाना हो तो 3 हिस्से करना चाहिए पेट के, एक हिस्सा खाने का, एक हिस्सा पीने का, एक हिस्सा सांस लेने का। अब हम लोग बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो सेहत सेहत जाया होती है ज्यादा खाने से। पहले लोग भूख से मरते थे, अब ज्यादा खाने से मरते हैं। और बिल्कुल कम खाना, बहुत सारे लोगों का ऐसे मुजाहिदा देखा है हमने, कुछ एक आध हैं ऐसे, वो कुछ ही फापे कर रहे, कह रहे थे फापे कर रहा है, तो उनकी सेहत बिल्कुल डाउन हो गई। तो हर चीज में बीच की राह इख्तियार करना चाहिए। दुनिया कमाना है, अब कमाने में इतने लगे सब कुछ भूल गए। आराम जो मकसूद था पैसे का, वो मकसूद ही फौत हो गया। कमाने से क्या हासिल है, आराम में है। अब कुछ लोग सोएंगे तो फिर वो 10 घंटे तक सोते रहेंगे, तो कुछ लोग ज्यादा मुजाहिदा करेंगे तो 2-3 घंटा भी नहीं सोएंगे। तो हर चीज में एतदाल इख्तियार करना ये बहुत ही पसंदीदा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और दीन ने हमें भी तालीम दी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें एतदाल अपनाने की तौफीक अता फरमाए। बाज़ी दावा अलहम्दुलिल्लाह।